जिसकी लड़की है कोई भी अगर सीएलसी में भेज रहे हो आप है, तो सुरक्षा की चिंता मत करना। सर आपकी बेटी मेरे पास एक साल रही, हॉस्टल में रही, तो आपको क्या महसूस हुआ, क्या रहा सीएलसी में, आपने क्या देखा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं चाहूंगा इस माइक से आप उनको मैसेज दें जो लोग हेजिटेट होते हैं कि बच्चों को बाहर भेजें कि नहीं भेजें, सीकर भेजें, सीएलसी भेजें, हॉस्टल में रखें या नहीं रखें, साथ मम्मी को भेजें कि नहीं भेजें, तो आप प्लीज वो जो आपके साथ रहा एक साल, आप एक साल रहे सीएलसी, दो साल सीएलसी रहे, लास्ट स्कोर क्या था आपका? 625 लास्ट ईयर 559। आप देखो लास्ट ईयर 569 560 था, अब आपका 630 आ गया, 18 मार्क्स बढ़ा के आपने दिए, आपको कॉलेज और मिल रहे थे नजदीक के कारण आपने गवर्नमेंट कॉलेज सीकर को अडॉप्ट किया। प्लीज वकील साहब आपने सुरक्षा की दृष्टि से सीकर है सीएलसी वो बहुत शानदार है। मैं एक बार रात को जयपुर से आया था सर, रात को करीब 11:30 बजे थे, तो मैं वहां जाके देखा मैंने, तो आप उस गेट के पास बैठे थे रात को 11:30 बजे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्ची को अगर अकेले छोड़े कहीं तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं सुरक्षा की दृष्टि से घर से भी बेहतर समझता था। क्या बात सर, ये हमारा सौभाग्य है सर। और यही कहना चाहता हूँ कि जिसकी लड़की है कोई भी अगर सीएलसी में भेज रहे हो आप, तो सुरक्षा की चिंता मत करना, यही सर। बड़ा इश्यू है सर, बिल्कुल बेटी के लिए बहुत बड़ा इश्यू है, पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन वो गांव में कहते ना पढ़ाई अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, बट रिस्पेक्ट इज्जत अपनी जगह है। आप सोचो मुझे कितना फील होता होगा आज इससे, इतने नेगेटिव एनर्जी में दिए गार्जियन, ये कहते हैं कि बेटी श्रवण के पास सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित सीएलसी में, तो आप समझ सकते हैं मुझे मेरे काम के प्रति और कितनी प्रेरणा मिलती है। और कुछ कोटिया जी, आप 2015 में गए थे राकेश का एडमिशन करवाने, राकेश ढाका जो आपके साथ गए थे, मैं और झूमरमल जी गए थे दोनों, मेरे जीजाजी हैं आपके, वो जीजाजी है मेरे, आप जब परिवार है पूरे भी, जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो दोनों गए थे, परिवार के हो गए, दोनों गए थे 2015 में, उसको लेकर तो हमने सब जगह घूम लिया सर, फिर आपके पास छोड़ गया है, तो 2017 में उसका हो गया रायपुर है, 12th का बच्चा गांव से निकलता है कि बिल्कुल चूरू डिस्ट्रिक्ट के सुजानगढ़ में एक बहुत अंदर से गांव पड़ता है, वहां का बच्चा 10th करके जाता है, 11th 12th करता है, विद 12th वो रायपुर एम्स लेता है। प्लीज कंटिन्यू करिए बात अपने। चार ही बच्चे भेजे थे हमने यहाँ से, राकेश ढाका फर्स्ट बार, दूसरी बार अभिषेक बुगालिया और करण, ठीक है, फर्स्ट बार अभिषेक बुगालिया गया राकेश के बाद, ठीक है, उसके बाद करण गया, ठीक है, करण और अभिषेक दोनों 11th में चले गए, बिल्कुल, और ये दोनों सिलेक्टेड हो गए। हाँ जी, निर्मला 11th 12th करने के बाद में वहां गई, ठीक है, तो चार बच्चे भेजे हमने, चारों सिलेक्टेड, तो आपका रिसेंट परसेंट है 100%। दोस्तों ये होती है बात, आप वैसे भी अपने गांव में कहा होते हैं जाते वकील हैं, वैसे वकील आप जानते हो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, आपने पूरी वो कहते हैं पूरी छानबीन की है, उसके बाद आपने चार बच्चे भेजे, चारों सिलेक्टेड, चार बच्चे आपने एडमिशन कराए और चारों बच्चों का आपके यहाँ सेलेक्ट हुआ, चारों मेडिकल में है और वो भी अच्छी कॉलेज में है, अच्छी रैंक के साथ है, ना कि किसी पेमेंट सीट पे है, बिल्कुल नहीं है। और ढाका जी फिर एक महेश बच्चा कौन है, फिर वो परिवार में अपने, वो इनके परिवार वो में, फिर एक महेश ढाका, राकेश ढाका परिवार में है, वो गया तो वो पांचवा सिलेक्शन हो गया जी। जो मर्जी आप तो दो छोड़ गए होंगे राकेश महेश का, आपके जो सेंट परसेंट है, क्या बात है। तो चार बच्चे भेजे, चार का जो सेंट परसेंट है, आपने दो भेजे, दो का सेंट परसेंट, और कोई बात और कोई मैसेज आप गार्जियन के लिए? गार्जियन के लिए तो ये कि अगर बच्चा पढ़े तो खुद में एबिलिटी है तो पढ़ेगा, लेकिन बच्चा फितूर नहीं होगा। वहाँ आप कहना चाहते हैं कि सिलेक्शन में स्वीकारता हूँ साहब, सिलेक्शन सबका दुनिया की किसी कोचिंग में नहीं होता है, सीएलसी में नहीं होना, लेकिन वहां बच्चा जाएगा तो कुछ बन के आएगा, बन के आएगा, बैरिंग लिखा बन बैरिंग के आएगा, मिस कॉल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं आज के टाइम अपने, बिल्कुल नहीं होगा, बैरिंग लिखा में तो आज के मिस कॉल बोलते हैं, मिस कॉल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कॉल बनेगी। थैंक यू।